हाजीपुर सगौली नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत पारूखास देवरिया रेलखंड पर स्पीड ट्रायल किया जाएगा। इसको लेकर रेलवे द्वारा सूचना भी जारी की गई है। यह ट्रायल 31 मार्च को रेलवे के संरक्षा आयुक्त पूर्वी परिमंडल कोलकाता द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, जिसको लेकर पाटलिपुत्र जंक्शन से अधिकारी पारूखास देवरिया के लिए प्रस्थान करेंगे और सोनपुर हाजीपुर घोसवार के रास्ते लालगंज वैशाली होते हुए पारूखास देवरिया के लिए जाएंगे। स्पीड ट्रायल के दौरान रेलगाड़ी की गति अपने अधिकतम रफ्तार में होगी। सुरक्षा के ख्याल से विभाग सूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि स्पीड ट्रायल द्वारा निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइन से आमजन दूर रहें, साथ ही अपने मवेशी इत्यादि को भी रेल लाइन से दूर रखें। इसकी अवहेलना करने पर यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा। बता दें कि 148 किलोमीटर लंबे हाजीपुर सगौली नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत अब तक हाजीपुर से पारूखास तक 50 किलोमीटर नई रेल लाइन की कमीशनिंग की जा चुकी है। अब 13 किलोमीटर लंबे पारूखास से देवरिया तक निर्माण कार्य पूरा करते हुए 31 मार्च को CRS का निरीक्षण किया जाएगा। एक बार फिर बता दें कि स्पीड ट्रायल के दौरान लालगंज वैशाली क्षेत्र से काफ़ी तेज गति से ट्रेन गुजरेगी। इस बीच जितना संभव हो सके लोग खुद एवं अपने मवेशी को रेलवे लाइन से दूर रहें। जानकारी के मुताबिक ट्रायल और निरीक्षण के बाद इस रूट में चलने वाली ट्रेनों की गति का निर्धारण किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों आम यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा। 21 तारीख को सारे साहब का इंस्पेक्शन है और अच्छे ढंग से सब कुछ तैयारी कर लिया गया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है और सारे साहब आएंगे और पारूखास के लिए जाएंगे और वहाँ लाइन का इंस्पेक्शन करते हुए सब कुछ देखेंगे और ट्रायल करेंगे गाड़ी का और स्पीड बढ़ाया जाएगा, गाड़ी की गति को बढ़ाया जाएगा। उन्हीं के अनुसार सब कुछ होगा, जो भी करना है उन्हीं को करना है। तो इसके लिए खास निर्देश भी दिया गया कि लाइन के आसपास नहीं रहे, इस तरह का कुछ है क्या? हाँ, ऐसे तो सब दिन किया गया कि लाइन के आसपास माल भैंसी नहीं रहे या कोई यात्री अप्रिय घटना नहीं घटे, किसी तरह का कुछ नहीं हो। वो तो शुरू से ही मतलब है, चारे साहब आएंगे तैयो नहीं आएंगे तैयो फिर भी हम लोग को सुरक्षा व्यवस्था को बना के रखना है, किसी तरह कमी नहीं है। खासकर उस दिन के लिए क्या उस दिन भी रहेगा, ऐसे भी सब दिन के लिए रहता है, ऐसा बात नहीं है कि उन्हीं के लिए मतलब किया गया, मतलब पहले से ही हम लोग का सुरक्षा व्यवस्था रहता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होता, कोई आसपास में कोई माल जाल या नहीं चढ़े या ये कोई अप्रिय ये नहीं। तो आप क्या मतलब लोगों को संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि अच्छा से लोग रहे, मतलब लाइन के आसपास मतलब माल भैंसी नहीं चराए, गाड़ी आए तो अपना साइड हो जाए, रहे अपना साइड हो करके रहे, ऐसा काम करे कि अप्रिय घटना ना हो। उस इंस्पेक्शन के बाद फिर क्या नया होगा? नया मतलब गाड़ी चलना होगा, गाड़ी चलेगा, गाड़ी चल रही है, दो अप दो डाउन चल रही है, जैसे जैसे यात्री का मांग होगा, जनता का मांग होगा, तब फिर बढ़ाया जाएगा। गाड़ी की टाइमिंग क्या है? टाइम का तो अभी फिलहाल ऑफ में 8:30 बजे आ जाती है, फिर 12:30 में फिर वैशाली से चलाया जाता है, वो अभी आएगा, अभी समय हो चुका है आने का यही, या फिर डाउन गाड़ी अभी वो आएगा 1:30 बजे के लमसम में, 2:30 बजे तक वो भी आ जाएगा। सर, यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि अगर ये जो गाड़ी की टाइमिंग है वो अगर ऑफिशियल टाइम पे होता, 9-10 बजे के आसपास कोई गाड़ी होती, 8-9 बजे के आसपास जिससे लोग जाता तो काफ़ी सुविधा होती है ऑफिस करने वालों को। हाँ, तो इस पर फिर विचार किया जाएगा, साहब लोग विचार करेंगे, जैसा होगा वैसा फिर दिया जाएगा। तो इसके लिए कोई दिया जाएगा कि लोगों की मांग है? नहीं ना, मांग करेंगे लोग, मतलब जैसे जैसे मतलब विकास होगा उसे अर्निंग होगा उसी ढंग से मतलब सेटलमेंट किया जाएगा, यारे साहब का वहाँ ये किया जाएगा, फिर साहब निकाल करके अप्लाई करेंगे।